वेलकम टू टेम्पटिंग ट्रीट्स। आज हम बनाएंगे सूजी कटलेट्स। इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, एक कटोरी सूजी है, अजवाइन है एक छोटी चम्मच, लहसुन है और एक गिलास पानी। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। ये पानी थोड़ा गुनगुना हो जाने दो। पानी गुनगुना हो गया है, अब हम इसमें सूजी डाल देंगे, उसके बाद इसमें अजवाइन डाल देते हैं और ये लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। और एक छोटा चम्मच, एक पिंच इसमें हींग डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ये हमारा एक डो की तरह तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गया है, हम इसे अब एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें हम सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कटा हुआ प्याज है, जिसको सारे सब्जी को मैंने धोकर अच्छी तरह से काट लिया है। ये शिमला मिर्च है रेड वाले, ये येल्लो ग्रीन, और ये गाजर है, एक टमाटर है मीडियम साइज का, और हरा धनिया है, एक आलू है जिसे उबाल कर हमने ग्रेट कर लिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। ये इसमें सारी सब्जी हमने डाल दिया है। आप अपनी मर्जी से जो भी डालना चाहे, आप चाहे तो बंद गोभी भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, आप अपनी पसंद से सब्जी इसमें डाल सकते हैं। ये काली मिर्च है एक छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार आप ऐड करें, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। सारे को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हाथ से। इसमें हम ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे 4 चम्मच। ये जो नॉर्मल ब्रेड आता है हमारे घर, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और क्रिस्पी होता है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो ब्रेड क्रम्स डाल ले। हाथ में तेल लगाकर चिकना कर लेंगे हाथ को अच्छी तरह से, और इसको चाहे आप टिक्की का शेप भी दे सकते हैं या कटलेट का भी शेप दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ऐसे देखिए, इस तरह का भी आप दे सकते हैं। ये हल्की फुल्की भूख हो तो शाम को बना करके आप चाय के साथ इसे ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये और कम सामान में भी बन जाता है। मेरे सारे टिक्की बन के रेडी हो गया है। ये मैंने दोनों शेप दे दिया है, टिक्की का भी और कटलेट का भी। अगर आपके पास अगर कोई सब्जी नहीं है घर में, खाली प्याज है, तो आप उसको भी डालकर बना सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि सारी सब्जी होना जरूरी है। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है, हम सारे इसमें कटलेट डालकर फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे तवे पर भी बना सकते हैं, और फ्लेम को हम लो मीडियम कर लेंगे। 2 मिनट हो गया है, हम दूसरे साइड से भी पलट के आपको दिखाते हैं। इसको भी अच्छी तरह से दोनों साइड से पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। अब हम इसको एक एक करके इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मेरा सूजी कटलेट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और कितना बढ़िया लुक आया है। बिल्कुल बनाना आसान है, इसको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, देखिए। बहुत ही झटपट बन जाता है ये नाश्ता। आप चाहे इसे शाम को चाय के साथ खाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इफ लाइक्स वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।